हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने जर्नी। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जर्नी, यात्रा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लॉ बनता कैसे है, लॉ आता कैसे है। तो देखिए, रोड एक्सीडेंट कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, राइट है कि नहीं? बट बात क्या है पहले की, कि रोड एक्सीडेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसको रेगुलेट करने के लिए कोई बैठा नहीं है, है ना? तो सबसे पहले बनाया गया ट्रैफिक रूल्स। अब देखिए, ट्रैफिक रूल्स बोलिए या कोई भी रूल बोल लीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशन अगर मैं और आप बनाए ना, वो कब तक चलेंगे? ज्यादा देर नहीं चलेंगे। क्यों? अगर मैं और आप बना रहे हैं तो तोड़ भी हम और आप आसानी से देंगे, है ना? तो कोई ना कोई ऊपर चाहिए रेगुलेट करने के लिए। तो ट्रैफिक रूल बनाए गए और उसे एक ट्रैफिक रूल बुक में उतारा गया और पार्लियामेंट के पास भेजा गया, ठीक है कि नहीं है? और पार्लियामेंट के पास भेजने के बाद उसे पास किया गया। लोकसभा राज्यसभा में जब ये पास हुआ, मींस सैंक्शन हुआ, अप्रूव हुआ, और फिर आपको पता ही है प्रेसिडेंट के पास जाता है और फाइनल सिग्नेचर होने के बाद ही वो क्या कहलाता है? एक्ट कहलाता है, ठीक है कि नहीं है? तो सिंपल वे में ये कहना चाह रहा हूं कि जब रोड एक्सीडेंट बढ़ने लगे तो उसके लिए ट्रैफिक रूल बुक बने और पार्लियामेंट में सैंक्शन होने के बाद ये प्रॉपरली क्या बना? एक एक्ट बना, एक कानून बना, और उसको बोला गया मोटर व्हीकल एक्ट 1988। और आज मैं और आप अगर हम रास्ते में गाड़ी चलाते हैं तो डेफिनेटली वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, एंड वी नो इफ यू विल नॉट फॉलो देन वॉट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन टू अस। बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रैफिक हवलदार भी बैठे होते हैं जो कानून के अकॉर्डिंग चलते हैं। चला फाइन भरा, ठीक ठीक। वैसे ही बिजनेस में बिजनेस फ्रॉड्स बढ़ते चले जा रहे थे, ठीक है कि नहीं है? तो भैया ये आपको पता ही है, तो बिजनेस फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं मतलब धोखे, वादे तोड़े जा रहे हैं। तो उन वादों को तोड़ने के लिए, न टूटने के लिए कोई ना कोई चाहिए रेगुलेट करने वाला। तो इसलिए बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट रूल कि वादे किस तरह से बनाए जाने चाहिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट रूल हम और आप बनाएंगे तो होगा नहीं, तो क्या बना? ये प्रॉपरली एक रूल बुक बना, पार्लियामेंट के पास गया और वो पास हुआ और वो बना एक एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब देखिए नाम में, देखिए 1872 दिख रहा है, तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं प्रायर टू 1872। देखिए हालांकि 1872 भी मैं कहूँ तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस तो है नहीं, प्री इंडिपेंडेंस ही है, क्योंकि 1947 के पहले की बात है तो वो क्या है? प्री इंडिपेंडेंस। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब ये कानून आया ही नहीं, जब ये कानून नहीं भी आया था तो भी यहाँ पर मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन होते थे। बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना? तो ये तो कई समय से, कई सदियों से चला आ रहा है, तो बिजनेस तो कई सदियों से चले आ रहे हैं। बात ये आ रही है कि सर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना नहीं था तो क्या बिजनेस नहीं होता था? होता था। तो सर उसको रेगुलेट कौन करता था? उस समय रेगुलेट करता था पर्सनल लॉ। रिलीजन के बेस पर अलग अलग लॉ थे, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, है ना? तो ये एक्ट जो है, ये कानून जो है, रेगुलेट करता था बिजनेस को, बिजनेस ट्रांजेक्शन को। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम था क्या, मैं इसको रीड करता हूँ, इजी पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉ वॉज ईजी इफ बोथ पार्टीज आर बिलोंग टू सेम रिलीजन। मतलब आपको तो पता ही है दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होती हैं कम से कम, तो अगर ये पार्टी हिंदू है और ये पार्टी भी हिंदू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट द थिंग इज दैट कब ये एप्लीकेशन पर्सनल लॉ डिफिकल्ट हो जाता था, कि अगर ये पार्टी जो है हिंदू है और ये पार्टी मुस्लिम है, तब यहाँ पर जो है दो अलग कानून बीच में आते थे। बराबर है कि नहीं है? अब ये कानून अलग कहता है, ये कानून अलग कहता है। अब जब दोनों कानून अलग कहेगा तो कैसे बात बनेगा? ये बोलता है मुझे ताली नहीं बजानी, ये बोलता है मुझे ताली बजानी है, कैसे बजेगा? समझ रही कि नहीं बातें? वही बातें यहाँ पर भी है। तो इसीलिए यहां पर किस तरह से डील होती थी, क्योंकि कोई एक्ट था ही नहीं, तो कैसे डील होती थी? लॉ ऑफ डिफेंडेंट फॉलो किया जाता, मतलब जिसके ऊपर केस किया गया है उसकी पूरी जिम्मेदारी है, वो अपनी सफाई में जो भी ला सकता है प्रूफ एंड ऑल लेकर आए। तो कहने का मतलब क्या था कि लॉ ऑफ डिफेंडेंट के बेस पर, मतलब डिफेंडेंट पार्टी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है सारी अपने आप को रिलीज करने की, उस बेस पर यह चलता था। तो कहीं ना कहीं जो है इनजस्टिस वाली बातें होती है। तो फाइनली हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1600 में इंडिया की में आ चुकी थी, एक मोनोपोलिस ट्रेडर थी, कोई और ट्रेडर था ही नहीं, कोई और व्यापारी था ही नहीं। इसने देखा भैया ये सब नहीं चलेगा, और आपको तो पता ही है उस समय कौन राज करता था? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के आगे कौन क्या बोलेगा? तो उस समय इन्होंने
एस्टैब्लिश किया एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ मर्केंटाइल लॉ विच इज कॉल्ड यस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जी हाँ, ये एक ब्रिटिश लॉ है, ठीक है कि नहीं है, और ये प्री इंडिपेंडेंस ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आया था। अब ये क्या बोलता है? सबसे पहली बात, वी नो वेरी वेल इट इज आवर ओल्ड लॉ। क्यों? क्योंकि ये 1872 से ही समझ में आ रहा है, प्री इंडिपेंडेंस वाला कानून है, इसीलिए इसको हमने कहा ओल्ड लॉ। लिमिटेड टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, मतलब जो लोग भी उससे जुड़े हैं उनके लिए ही है। मतलब अगर सिर्फ दो लोग जुड़े हैं तो इसके लिए और इसके लिए ही ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल है, थर्ड पार्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ प्राइवेट लॉ, इट इज नॉट अ पर्सनल लॉ, इट इज अ प्राइवेट लॉ। कहने का मतलब, यहां पर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखेंगे। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आपका रिलीजन अलग कोई बात नहीं, लेकिन आप धंधा करने के लिए आए हो, आप बिजनेस करने के लिए आए हो, देन यू आर अ बिजनेसमैन एंड यू आर अ बिजनेसमैन, दैट इज द कॉमन थिंग। और दो अलग कानून नहीं, एक कानून। ये कानून इसके लिए भी सेम है और ये कानून इसके लिए भी सेम है, तो भैया ताली बजनी है, और इन्हीं के लिए है, कोई थर्ड पार्टी के लिए नहीं है। इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया, और कौन लेकर आया? ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आया, है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए अब करंट बात करते हैं, ये तो पुरानी बातें हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कब आया, तो ये 1872 में आया, ये तो आपको यहां से ही समझ में आ गया, लेकिन कब? 1 सितंबर। ये आप याद रखिएगा कि 1 सितंबर 1872 से ये इफेक्टिव हुआ, जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया वहां से, तो उस समय तो ब्रिटिश का रूल था, तो ब्रिटिश ने साइन किया, बात खत्म। इज दैट क्लियर? चलो आगे। अर्लियर एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो बात आती है कि क्या ये पूरे भारतवर्ष को एप्लीकेबल है या फिर कुछ जगह पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो आज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब जो बात हो रही है पूरी तरह से अभी की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस और स्पेशली करंट सिचुएशन। तो डियर, आज के तारीख में ये पूरी इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, 2019 से, ठीक है कि नहीं है, 2019 से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पूरे भारतवर्ष को एप्लीकेबल है। इससे पहले, बिफोर 2019, ये केवल, केवल नहीं बोलूंगा, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था, केवल जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 370 था, जिसकी वजह से ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन अब 5th अगस्त 2019 से ये आर्टिकल 372 रिमूव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। तो 5th अगस्त 2019 से ही बाय डिफॉल्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है। यस ऑफ कोर्स, जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या बोला आपको समझ में आ गया? कब से इफेक्टिव हुआ ये? 1 सितंबर 1872। क्या ये पूरे भारतवर्ष को एप्लीकेबल है? यस ना, 5th अगस्त 2019 से ये पूरे भारतवर्ष में एप्लीकेबल है। क्या ये इसके पहले एप्लीकेबल था भारतवर्ष में? नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में को छोड़कर बाकी जगह एप्लीकेबल था, है ना, याद रखने के लिए। चलो अच्छा, जब ये एक्ट बना तब 266 सेक्शंस थे। कितने सेक्शंस का ये बना हुआ है? 266 सेक्शंस, ठीक है कि नहीं है? मतलब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 266 भागों में डिवाइड है। अब वो कौन से भाग हैं? ये चार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो सेक्शन 1 to 75 हैं, सिर्फ याद ध्यान में रखना है आपको। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, उससे रिलेटेड 76 to 123। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एजेंसी, ये 124 to 238 थे। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप 239 to 66। तो देखिए लिखा है ना 266, तो यहां पर 1 से शुरू हुआ और एंड हुआ 266। तो इस तरह से ये डिवाइडेड था, मतलब इतनी मोटी बुक जो चार हिस्सों में बटी हुई है, जनरल प्रिंसिपल, सेल ऑफ गुड्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पार्टनरशिप। अब मजेदार बात देखो क्या हो गया आज के तारीख में। नाउ कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, दिख रहा है यहां पर पार्टनरशिप, ये जो है अब क्या हो गए? सेपरेट एक्ट बन चुके हैं। जी हाँ, इनके अपने कानून बन चुके हैं और उनको बोला जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मतलब 1930 में ये लॉन्च हुआ, ऑफकोर्स
और पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके ठीक दो साल के बाद पार्टनरशिप एक्ट भी अलग से लॉन्च हुआ। तो सिंपल वे में कहूं तो आज के तारीख में, केवल आज के तारीख में, ठीक है, ये पुरानी कहानी थी 266 सेक्शंस, लेकिन आज के तारीख में कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू लव गुड्स हट चुका है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, और कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी जो भी काम है वो हट चुका है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो अब बचा है सिर्फ और सिर्फ दो चीज, जनरल प्रिंसिपल एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? चलो, तो हमने बहुत कुछ यहाँ पर देख लिया है। इतनी सारी बातों को एक शॉर्ट में रिवाइज करना बहुत जरूरी है ताकि हमको समझे कि फाइनली आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट की जर्नी क्या है। तो भैया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इट इज अ प्राइवेट लॉ एंड इट इज लिमिटेड टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ओनली, दैट्स व्हाई इट इज अ प्राइवेट लॉ। केम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1872। Is it applicable to whole India? Yes, it is applicable to whole India. Why? Because of 2019 का amendment, Article 370 हटा दिया गया, याद है ना? That's great. At present, it is divided into only two parts. आज के तारीख में केवल केवल दो पार्ट है। पहला क्या है? Section 1 से 75, General Principles related to Contracting Act, and then Section 124 to 238, Special Contracts, that is called BAI, B for Bailment and Pledge, A for agency and I for indemnity and guarantee. So I believe you understood very well the journey of law. So milte hain agle video ke saath, tab tak ke liye thank you so much. Hustle karo, kamyabi karo, because attitude matters but positive. Take care.